जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र आदर्श नगर में व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटे थे 4,40,000 रुपए। लूट का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय अग्रवाल ने बताया कि 18 जनवरी को विनीत मरवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि गुरंदी गल्ला मंडी में सोयाबीन और सरसों तेल का व्यापार संचालित करता है। वहीं 18 तारीख जब वह अपनी दुकान बंद कर व्यापारी की रकम 4,40,000 रुपए चेक दस्तावेज बैग में रख कर अपने घर पर आदर्श नगर ग्वारी घाट के लिए निकला, तभी आदर्श पार्क के पास स्कूटी सवार दो नकाबपोश बदमाश उसके पास अचानक आए और आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बैग लूट कर ले गए, जिसमें रुपए और दस्तावेज रखे हुए थे। वहीं फरियादी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए कार्तिक वेन और प्रिंस यादव को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई तो दोनों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम देना बताया। वहीं आरोपी से 1,23,000 रुपए व स्कूटी बरामद की गई है। 18 तारीख की शाम को एक व्यापारी के साथ एक घटना हुई थी। घटना वो ये थी कि वो गुरुंदी मोहल्ला से अपना जो गल्ला का व्यापार करता है उसका पैसा लेकर के अपने घर जा रहा था। उसका नाम नितिन मरवा है। उसको फिर दो अज्ञात लोगों ने एक स्कूटी से आए थे और उनके मिर्ची का पाउडर छिड़का और उनके पास जो बैग और पैसे थे वो लूट लिए थे। इस पर से थाना गोरखपुर पुलिस ने इस पर अनुसंधान किया और ये दोनों को पकड़ लिया गया है और उनसे पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। और भी जो पैसे खुर्दबुर्द हुए थे उसकी भी प्रयास चल रहा है। तो इस प्रकार जो है इनके जो नाम हैं आरोपियों के वो हैं कार्तिक बैन और प्रिंस यादव। ये जो हैं छोटी उमती थाना उमती जबलपुर के ही हैं, लोकल रहने वाले हैं। और इसका इतिहास ये है कि ये दोनों पहले उसी व्यापारी के यहाँ यानी हमारे इसी घटना के फरियादी के यहाँ काम करते थे। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी ही इसमें रातों रात काम किया गया और उनको जो है वो पैसे जो है बरामद हो गए, चूँकि वे खर्च नहीं कर पाए। और जो पैसा उन्होंने यहाँ वहाँ खुर्दबुर्द किया है उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो बहुत ही शीघ्र हम उसको भी जब्त कर लेंगे। चूँकि आरोपी फरियादी के यहाँ ही काम करते थे और निश्चित है उन्हें मालूम था कि रोज़ाना का रिटेल जो कलेक्शन होता है उसका पैसा वो घर लेके आते हैं और उनको जो आने जाने का रास्ता है वो भी पता था। तो यह तो क्लियर है कि वो रैकी उन्होंने की ही होगी और चूंकि नौकर के रूप में काम कर चुके हैं तो उनके लिए सब कुछ जानी पहचानी बात थी। सर, उनके पुराने रिकॉर्ड हैं क्या? कुछ कैसा पुराना रिकॉर्ड देखा? एक का है अभी बता रहे हैं। सर, कितनी राशि थी और कितनी अभी होगी? अब फरियादी ने जो उस समय बताई थी, चूंकि वो उसको भी निश्चित नहीं था, तो 4 लाख के करीबन उसने पैसा बताया था और कागजात बताए थे, तो उसमें से करीबन हमने 1.5 लाख रुपए जब्त कर लिया है। और बाकी पैसे भी जो उसने और किसी दूसरे को दिए हैं उसका भी नाम पता चल गया है, वो भी लाइन क्लियर हो गई है, तो उस पर भी शीघ्र ही काम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।